मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love अबे वो अपने इलाके में सन्यासी बाबा नहीं बैठता वो कोने वाली बिल्डिंग में वो जो झाड़ फूक करता है जिन उतारता है वो वाला हाँ हाँ वही वही उसके पास चलेंगे वही निपट लेगा तुंतने शाह से लहराए खुशी से जी अब्बा अब्बा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया वो कवे है कि बड़ा भाई बड़ी बहन से शादी कर ले और छोटा भाई छोटी बहन से शादी कर ले सवारी आने का जो मामला है उसके लिए जिन से रابطہ करना पड़ेगा तो हाँ भाई बुलाओ ना जल्दी करो मैंने ठेले पे भी जाना है प्यार तो मैं भी करती हूँ और असल में सही प्यार मैं ही करती हूँ सुल्तान से इसलिए जानने के बाद कि सुल्तान कितना लालची और खुदगर्ज है फिर भी उसे माना जाती हूँ तुम्हारे मुंह पे हमारे भाई को लालची कह रही है साबित कर पता है मुझसे कहता है कि अपना मकान मेरे नाम करो फिर शादी करूंगा ये कवे है ससुरा हाँ मगर ठीक है प्यार का दावा करने वाले तो जान तक मांग लेते हैं मुझे तो सिर्फ अपना घर ही उसका नाम करना पड़ रहा है तू तो वाकई प्यार करे उससे चल ठीक है आज के बाद सोनिया की साइड नहीं लूंगा और वैसे बीच जोड़े ऊपर वाला बनावे है शुक्रिया मंजले भाई पांच मिनट का बोला था 12 मिनट हो गए अभी तक आया नहीं तुम्हारा जिन आ गया आ गया आ गया आ गया ये आ गया आ गया आ गया हूँ ये बता रहा है कि शमशान घाट से अभी एक प्लेट आने वाली है जो यहाँ पर सवारी खेलने के बाद वापस शमशान घाट चली जाएगी और उसकी सुर्ख सुर्ख आँखें हैं और पीले पीले दांत हैं और ये तो अपनी जिंदगी के अंदर तुनतुना बजाया करता था इसीलिए इसका नाम पड़ गया तुनतुने शाह इतनी सब डिटेल आपने कैसे बता दी उन पर तो सवारी आती नहीं है क्या मतलब है तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रही थी इतनी देर से यही तो पता करने आए हम कि उन पर सवारी आती है नहीं आती पहले ये मंजले को रोना लेके बैठ गए उसके बाद आप माला जपने बैठ गए फ्रॉड नहीं करती है वो ये आत्मा मुझे अभी यहाँ नजर आई है अरे छोड़े हर औरत को दूसरी औरत झूठी नजर आती है अरे वो तो बेचारी जब भी बोलती है कि जब सवारी आती है ना तो मेरा जोड़ जोड़ दुखता है वो तो सही बोलती है वो और बाबा जी इस तरह बुरी तरह हंसती है कि एक दफा मैंने गौर से देखा तो मैं भी यूं यूं घूमने लगा और ऊपर एक तो वो चौकी लगवाती है लोगों को बेवकूफ बनाती है पैसे ठगती है और कागज पे अजीब जाने क्या लकीरें बनाती है तावीज देती है लोगों को इस काम के 5,000 रुपए लगेंगे 5,000 उठ भाई तारा अच्छा बाबा हम सोच के बताएंगे चल उठ भाई उठ 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 चलो भाई काम वाम तो निमट गया ये बड़ी थकान हो गई शन्नो पप्पू के घर जाने की तैयारी पकड़ती हूँ भाई बात तो भूल ही गई मैं अगर शन्नो पप्पू ने हमारे से इतनी तस्वीर मांग ली मुझसे तो क्या दूंगी बिना कट्टो प्यार उनसे पहले निकाल लेती हूँ तस्वीर हाँ चल हाँ सोनिया बोल हाँ कट्टो तैयार है तू हाँ हाँ बस कपड़े बदलने को हुमायूं के पास थोड़ी जा रही हूँ कि मेकअप वेकअप करके जाऊंगी ए तू ऐसे कर ना मेरे घर आ जा यहाँ से चलते हैं चल ठीक है ओके एक फर्स्ट क्लास चाय दो लगा दी
आ रही है, तेरी भी चाय आ रही है, सब्र कर। अरे ये रही आपकी चाय। चाय। इतनी गरम चाय बनाइए यार। वैसे यार चाय पी के मजा आ गया यार, ब्लीच लगा के। स्पेशल बनाइए तेरे लिए चाचा। मैं बात सुनू, चाय जैसी भी हो लेकिन मुझे आज सुबह से ही हर बात में मजा आ रही है। यकीन कर मेरा जो मूड है ना, सुबह से ही कंचा हो रहा है, कंचा। क्यों क्यों? आज जो है ना वो मकई। हाँ हाँ। हाँ? उसको सुबह सुबह उठ के मैंने अच्छी लात मारी है ब्लीच लगा के। पप्पा ने लात खा ली? कैसे खा ली चचा? जैसे तू अब ये मुझसे चमाट खाने वाला है। अब तू इसको पप्पा बोल रही है तो मेरे को चचा क्यों बोल रही है बार बार ब्लीच लगा के? अरे 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 नहीं बोलूंगा। अच्छा बताना हुआ क्या? अब वो उसकी बेटी है ना। हाँ हाँ हाँ। उसने जिसको समझाया के तो चल छोड़। अरे नहीं नहीं छोड़ छोड़। देख बात सुन, एक गुना सर पे आया ना लेकिन मजा बहुत आया यार उसको लात मार के यूं करके। झूठ में कैसा गुना? मतलब कैसा झूठ? मैंने लात मार के उससे झूठ बोला कि मैं पागल हूँ। मतलब अच्छा तुम पागल नहीं हो? मतलब पैर के बल पैदा नहीं हुए? अबे बासुन जब लात मार के मजा आ रही है, दिल को सुकून मिल रहा है ब्लीच लगा के, तो कौन छोड़ता है भाई। सही कह रहे हैं वैसे चचा। बासुन रे तो तू मुझे बातों में लगा के मेरी चाय ठंडी करवा रही है ब्लीच लगा के? चाय पीने दे मुझे। हाँ हाँ पियो पियो। मैं पानी लेके आ रहा हूँ। आ जाओ पानी लाओ, मुझे तो चाय पीनी है भाई। कौन हो भाई? क्या तुम मुंह उठा के सीधा चले आ रहे हो? वो छन्नू पप्पो है। हाँ हैं। तुम कौन हो? उन्हें जाकर बताएं कि सोनिया और कट्टो आई हैं। कट्टो? हाँ, तुम दोनों में से कट्टो कौन है? मैं हूँ कट्टो, जाओ जाकर बताओ मैं मिलना चाहती हूँ। मुझे क्या चपड़ासी समझ रखा है? यहाँ से सीधा जाओ, आगे से राइट मारना, राइट से थोड़ा सा लेफ्ट मारना, सामने कमरा खोलना। अगर वो व्हीलचेयर पे बैठी होगी तो कुछ खा रही होगी, और अगर बेड पे लेटी होगी तो सो रही होगी। जाओ जाके काम करो अपना, खुद ढूंढ लेंगे हम। चल यही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कट्टो है, मुझे आपसे मिलना था। तुम कट्टो हो? क्या बात है, मेरी शोहरत इतनी दूर दूर तक फैली हुई है, आप भी मुझे जानती हैं। क्यों ना जानू मैं धारे को, पता ही ऐसा फेंका सारे मोहल्ले को पता लग गया। हाँ थारा क्या मसला है बताओ। हे तारा, आज हमारे घर वो आई है, वो अपनी तरफ से हीरोइन। कौन आ गया? और वो हमायों सईद वाली कट्टो है। जुगनू कट्टो हमारे घर आई है? हाँ। मैं देखकर आती हूँ, दिखने में कैसी है। बल्कि नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड जुगनू, उसको भी तो बताओ मेरे पास सोने के बुंदे, पहन के जाती हूँ। ए तू कट्टो में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही? उसमें नहीं, बुंदों में, बुंदे दिखाने। अबे यार ये औरतें भी बड़ी छिछोरी होती हैं। आ सुल्तान तो मेरा ही भतीजा है, आ उससे शादी करवाने के लिए चौकी लगवाने की क्या जरूरत है? आ उसको तो मैं हुक्म दूं तो हुक्म मान जाएगा वो आपका? क्योंकि बकौल अनारकली, उनकी नजरों में आपकी तो दो कौड़ी की अहमियत नहीं है। मतलब ये कि वो आपके कहने में नहीं है। मारे को लगता है थारे अम्मा अब्बा बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या वैसे ठीक ही रही है? असल बात ये है कि हमारे घर में ना
जहन्नमी औरत है और उसी ने मेरे दोनों भतीजों को मुझसे बदजन कर रखा। देखो देखो, कहते हैं ना शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर हो जावे। कैसे खड़ी बातें सुन रही है, क्यों हमारे कमरे में घुसी चली आ रही है, जा मर कहीं और। वो मैं कट्टू को देखने आई थी। इन दोनों में से कट्टू कौन सी है? नाम तो मेरा फरजाना मुस्तकीम है, लेकिन प्यार से मुझे लोग कट्टू कट्टू कहते हैं। ये तो वही हो ना जिसकी घर शूटिंग हुई थी। मैं तैयार होकर आ रही थी मगर ना जुगनू ने मुझे जाने ही नहीं दिया। और ये भी तो तैयार हुई थी, इतनी गहरी गहरी उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी, गहरे गहरी उन्होंने अपने कल्ले लाल किए थे। हाय, अपनी कहानियां सुनाना बंद कर, हम बड़ी सख्त किस्म की ना प्राइवेट बात कर रहे हैं, अभी जाए यहां से। ये कह रही है तो चली जाए ना, जाए जाए। नहीं नहीं, मैं पढ़े लिखे सेब है, मेरा मतलब है खानदानी है। खाओ। अच्छा। अबे ओ पत्थर के मुंह वाले अनवर, चाय लेके आ जा। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे कभी तो 20 रुपए से ज्यादा खर्च कर लिया करो फूफा, 20 रुपए की चाय बहुत ज्यादा हो गया, तो 8 रुपए का केक रस। अबे मुझे याद आया, तेरा मुंह तेजाब से ना धुलवा दूं, गोरा चिट्टा निकल आएगा। तुझे मना किया है इस किस्म की फजूल बकवास मेरे साथ ना किया, फिर वही तुझे हरकतें शुरू कर दी। अरे फूफा आज बोतल ही पी लो, काली वाली, वो जिसमें पकड़े जाते हैं। नहीं नहीं, जिसमें छोड़ देते। आज तो अपने वालों को याद करवाने वाली बातें कर रहा है, अबे किस खुशी में पी लूं? अगर तुम नहीं पी रहे तो मुझे पिला दो। ओहो अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे पास क्या आराम का पैसा चल रहा है? अरे आज एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप दो दो बोतलें पिलाओगे, अगर जर्फ हुआ तो खाना भी खिला दोगे। जर्फ है तभी तो तू नौकरी पे चल रहा है, वरना मुगल आजम को जो तूने मुखबरी की है ना, मार मार कर तेरा उर्गस निकाल देता। मगर जलील कितना किया था साइड पे ले जाकर। अच्छा चल बता, जो बता रहा था वो बता, अपनी कमीनगी का अजाला कर फटाफट। अजाला का अजाला मुझे नहीं पता, पहले मुझे बोतल पिलाओगे तभी बताऊंगा। चल पिलाऊंगा बोतल, वादा हो गया, आगे बोल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो मुगले आजम ने जो लात लगाई थी वो चोक ठीक हुई? नहीं यार ठीक तो नहीं हुई, वो कह रहा था 3-4 दिन अभी और लगेंगे। कभी भी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पैरों के बल पैदा ही नहीं हुआ, उसने झूठ बोला है और झूठ बोलकर तुम्हें लात मारी है। अबे हाँ तू सही बोल रहा है, जो आदमी तो पैरों पे चल नहीं सकता वो अपने पैरों पे पैदा कैसे हुआ होगा, बड़ा ही घटिया आदमी है भाई। अरे अल्लाह की कसम, मुगले आजम ने मुझे खुद बताया कि मैंने झूठ बोल के ऐसी लात मारी है कीमे को कि दिल को ठंड पड़ गई है। मगर फूफा मेरा नाम नहीं लेना। नहीं आएगा तेरा नाम, फिक्र नहीं कर, मैं सब समझ गया। वेरी गुड, तुझे बोतल भी पिलाऊंगा, मेरे लिए चाय भी ले गया, देख मैं करता क्या हूँ। तू चाय ले गया? बोतल भी। अब बोतल मिल गया। चलो चलो बस करो, आप मुझे दे दो। देखो ये तो था सोनिया का मसला, तुम्हारा क्या मसला? वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आपसे सवारी आएगी, सही है? तो आप मेरी भी चौकी लगवा दें, और फिर जब वो टुनटुन आएगा तो मैं टुनटुन को खुद ही बताऊंगी। तुम्हारे मामू का लड़का है जो टुनटुन को कह रही है उसको, है टुनटुन है शाह, बोलो टुनटुन है शाह, बहुत बड़ी हस्ती है, नाराज हो जाएंगे। नहीं कह रही थी 400 रुपए होते हैं एक सवारी के, 400 तुम देना और 400 ये दे देगी। हेलो ये क्या बात हुई, हमने तो सोचा था कि हम 50-50 मिलाकर एक ही चौकी में सारा मसला हल करवा लेंगे। ना ना 50-50 में कोई काम ना हुए है, तुम अलग वो अलग। तुन छा तो एक ही है ना। अरे भाई आहे, देखो खड़े होके बातें सुन रही है, कंसुइयां ले रही है हमारी। क्या मसला है आपका, आप क्यों बार बार घुसी चली आती हैं? ए बस तुम्हें ही देखने आ रही हूँ। मुझे क्यों देखने आ रही है भाई, हैं क्या मेरे सर पर सींग लगे हुए
या यहाँ कोई सर्कस लगा हुआ है कि मैं मोटरसाइकिल चला रही हूँ मौत के कुएं में? हाय माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है ये, है ना? ये नाराज क्यों हो रही हो? दिल हो रहा था तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने का? देखो तमीज से जाकर ना अपने कमरे में बैठ जाओ और फिर जब मैं बाहर निकलूं फिर मुझसे बातें करना। ठीक है जा रही हूँ। शोखियां क्यों मार रही हो? मारूंगी, मेरी मर्जी। जाओ कमरे में और खबरदार जो आइंदा कमरे में झांकी हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो। तारे सत्ये जाओ, वारे जाओ भाई। आई क्या शेर बच्ची हो तुम? जी ठंडा कर दिया तुमने मेरा। हैं? 200 रुपए छोड़ दो तुम लोगों को? चलो छोड़ देती हूँ। 300 तुम देना, 300 ये देवेगी। हैं? पर सवारी तुम्हारे घर पे ही बुलवाऊंगी। हाँ। मेरे घर? हाँ। वो क्यों? अरे बेटा, अरे हमारे मरने के बाद तो ये घर तुम्हारा ही है ना, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन नीच लगा के। दूसरा दिन तो मरने के अगले दिन होगा ना, अगर बहुत दिन तक तुम मरे ही नहीं तो। हा? अरे देखो देखो कैसे कोसने दे रही है आजकल की औलाद। सॉरी अब्बा, वो बस ऐसे ही अब्बा गलती होगी, गलती से मुंह से निकल गया, माफ कर दे। इतनी बड़ी बात तुम्हारे मुंह से गलती से भी क्यों निकली भाई? मैं बता रही हूँ नारकली के अब्बा, ये किसी बुरे चक्कर में फंस रही है। इससे सीधा सीधा ये पूछो कि हमारी जिंदगी में ये मकान अपने नाम क्यों लगवाना चाहती है? हाँ, हाँ? वो तो इसलिए क्योंकि मैं दुआ मांगू मेरे अम्मा अब्बा का साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। हाँ, जब हम ये मकान इसके नाम नहीं करेंगे ना तो फिर ये दुआ मांगेगी भी नहीं बिलिच लगा के। कम अज कम मैं तो ये दुआ मांगू ना उन औलाद से पूछो जिनके माँ बाप उनकी जायदाद से सांप बनकर बैठ जाते हैं। अब ऐसी औलाद ये दुआ ना मांगे कि उनके माँ बाप मर जाएं और जायदाद उन्हें मिले तो क्या करें? तेरे नाम मकान कर देंगे ना, तेरे नाम मकान अपने नाम करवा लगे उम्र रख के। कहाँ काम गई? चली गई है वो। मैं आज ही छन्नो पुट्ठो के यहाँ जाऊंगी, उनकी सवारी पर तो मुझे दिल से यकीन आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबका भला सबकी खैर। अबे क्या मुसीबत है भाई, आज तो कोई काम ही स्टार्ट नहीं करने दे रहा। अबे कौन है? सन्यासी बाबा बोल रहा हूँ, आज आप आए थे ना? अबे आया था तो क्या अभी तक सोचा नहीं? अबे कैसे सोचूंगा भाई, आपके बात से निकला हूँ तो सीधा अपनी घरवाली को घर छोड़ा है और ठेला लगाने पहुँच गया तो उसके बाद मंजिले से लड़ाई हो गई मेरी, अभी तो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ यार। हाँ तो फिर कितनी देर में सोच लोगे ताकि मैं अपना काम शुरू करूँ? अबे बड़ी जल्दी पड़ गई तुझे 5,000 कमाने की। नहीं भाई मैं भूखा नहीं मर रहा, मुझे दरअसल उस खातून से मिलने की जल्दी हो रही है जिस पर सवारी आती है। अबे क्यों बे? हाँ भाई उनके ऊपर से जिन भूत भी तो हटाने हैं ना। देख बे सन्यासी बाबा, एक बात है सीधी सी, 5,000 रुपए में पुप्पू और मंजला दोनों निपटा तो फिर ठीक है, और वो भी मैं काम होने के बाद पैसे दूंगा तुझे। इतना टाइम बर्बाद कर दिया मेरा। हेलो हेलो, फोन बंद कर गया, हराम का पैसा जो तुझे खिलाऊं मैं। चल ठंडा ठंडा फालूदा। अबे ठंडा ठंडा फालूदा ले लो भाई, बड़ा मीठा वाला फालूदा। फालूदा है फालूदा। अबे कोई गाग नजर नहीं आ रहा, कहां चले गए सारे? ये लो फूफो गर्मा गर्म चाय। जहर मिला के लाई है क्या? कभी तो अच्छाई का जवाब अच्छाई से दे दिया करो। आए? वैसे तो तू मांगने से भी नहीं देती और अभी बिन मांगे लेकर आएगी तो मैं ठंकोगे नहीं क्या? अरे कुछ मिलाया विलाया नहीं है, शरीफ माँ बाप की औलाद हूँ, दिल में सिला रहमी आ गई थी बस। आए शरीफ बाप की तो ना बोल, और जहाँ तक सिला रहमी का ताल्लुक है ना वो तो तेरे में तभी आवे जब तेरा कोई मतलब हो। अरे कोई मतलब मतलब नहीं है, बस अच्छे माहौल में तुम्हारे साथ चाय पीने का दिल हो रहा था। अच्छा हाँ तो फिर चल करो बातें। पुप्पो ये कट्टू क्यों आई थी? आ गई ना तेरी सिला रहने की वजह सामने। तब सुन, कट्टू नहीं आई थी मेरे पास, सोनिया आई थी। सुल्तान से मोहब्बत करें और सुल्तान से शादी करने के लिए चौकी लगवाने के लिए आई थी, और तेरी जिद में ना मैं
सल्लू की शादी सोनिया से कराऊंगी। हाँ पहले मैं इसको एटिकेट सिखाऊंगी, उसके बाद मैं इससे शादी करूंगी। इस तरह मेरी बहन का प्यार भी उसे मिल जाएगा और मेरी भी इससे शादी हो जाएगी। ले चार्जर लाया थारे लिए। खा ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी को कहते हैं लेट ठूस। ये तो होटल के वेटर की तरह थारे कड़े हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। थारे कड़े क्या हो जाऊं? बंदा तमीज से आप जनाब कहकर भी तो बात कर सकता है ना। तुम्हारी जोरू बनेगी हमारी अम्मा जो हमारे को अदब तमीज समझा रही है। ऐसे अदब से तुम अपनी अम्मा से भी बात नहीं करता था, उसे भी तुम करके बोलता था। तुम तो नाराज ही हो गए। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि थोड़ा स्टाइल में बात किया करो, वो जैसे हीरो करते हैं ना ऐसे। हीरो? अरे ये धोबड़ा देखा है, हीरो वाला है का? थोड़ा सा साफ सुथरा रहने लगोगे तो हीरो ही लगोगे। साफ सुथरा तो हूँ, मैंने अपने मुंह पे कीचड़ मार रखी का। कैसी बातें कर रही है? तो बाप तुम चाट खाओ, उसे बहस करना फजूल है। फिर क्यों कह रही है ऐसी बातें? खामखा मेरा मत्था घुमा रही है। अच्छा ठीक है, नहीं कहती, तुम चाट खाओ। अरे मैं ना खाऊं ऐसी चीज़ें, क्या लगे सारा दिन पकौड़े कचौड़ी बेच बेच के जी भरा हुआ ऐसी चीजों से। तो कुछ और मंगवा लेते तुम। अरे तूने जो कहा था, अब मुझसे इस तरह किसी को इनकार ना हो गया। कर मेरी खातर दो चार नवाले जहर मार कर लेता हूँ। अच्छा खा लो। हाँ भाभी। ए सल्लू जरा छत पे तो आ। अरे क्या हो गया, जुगनू भाई से दिल तो नहीं भर गया कि भाभी मुझे छत पे बुला रही हो? अगर जुगनू से दिल भर गया ना तब भी तेरा मुंह इस काबिल नहीं जिसे मैं छत पर बुलवाऊं। तो फिर क्या धुले हुए कपड़े उतरवाने के लिए बुला रही हो मुझे ऊपर? मैं नहीं आ रहा तुम्हारा काम वाम करने कोई भी। अरे नहीं कमीने, तुझसे एक बात करनी है, जल्दी ऊपर आ। अच्छा आता हूं। कमाल का विजन था, मगर मंजिले को अपने मुताबिक ढालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसका हेयर स्टाइल, लबो लहजा, ड्रेसिंग, लैंग्वेज, ओह गॉड। पर अगर जॉब करते करते थोड़ा टाइम उसको दूं, तो भी सालों लग जाएंगे। उसका तो थारे मारे खत्म कराने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। नर्सरी प्रेप भी नहीं पढ़ा है, कैसे इतना मक्स मारूंगी मैं इस पर? नो वे। बहुत ही देहाती है।
अरे जब तुझे अपना करियर ही बनाना तो इसके लिए अनारकली को बोलने की क्या जरूरत थी कि वो मकान बेच के पैसे लगवाए। अरे मुझे फिल्म में तो क्या, ड्रामे में भी कोई रोल नहीं दे रहा भाभी। ओहो, तो ये तो हम अब्बा को भी कुछ दे दिलवा के हासिल कर सकते हैं ना। अब्बा दिलाएंगे रोल, पिछला 500 तो मेरा आज तक वापस नहीं किया उन्होंने, रोल दिलाएंगे वो मुझे। अच्छा मैं वादा करती हूँ, मैं अब्बा से बात करूंगी, तुझे मुफ्त में रोल मिलेगा। सही है, लेकिन तुझे इसके लिए ये करना, तुझे अनारकली से शादी करनी होगी। अबे जब 20-22 लाख रुपए मिल रहे हैं तो तुझे क्या मौत पड़ रही है भाभी। देख सुल्तान, अनारकली ना समझ लड़की है, उसके माँ बाप बहुत होशियार है, वो कभी भी शादी से पहले ना मकान उसके नाम नहीं करेंगे। तो फिर मैं तुझे ये कह रही हूँ कि तू एक काम कर, शादी के बाद तू उसके माँ बाप को शिफ्ट कर लेना फूफो के कमरे में, तू सुकून तसल्ली से उनका घर बिकवा देना, दामाद तो तू उनका बन जाएगा, ना चाहते हुए भी तेरे पर एतबार करना पड़ेगा उनको, और उसके माँ बाप के पास सर छुपाने का ठिकाना भी तो होगा ना। अगर फूफो को कमरे से निकाल देंगे तो फूफो कहाँ पे जाएगी? फूफो ने कहाँ जाना है, बरामदे में डाल देंगे उनकी चारपाई। तो इस कुटनी ने मुझे घर से निकलवाने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है, अपने कमरा छीन कर बरामदे में डालेंगे, फिर सारे मिलकर हाथ पकड़ कर घर से निकाल देंगे। देख तू अनारकली से जल्द शादी कर ले, मैं अब्बा से बात करके ना तुझे रोल दिलवाती रहूंगी, तेरी आमदनी भी चलती जाएगी, अनारकली बहुत अच्छी लड़की है, मैं तो चाह रही हूँ तू उसको मिस ना कर। चल चलो अब तो तू कमरे में चल, ऐसा दिल दुखी हुआ है कि इस वक्त अगर इन्होंने देख लिया तो मुझसे तो तुंतरे की एक्टिंग भी नहीं हो पाएगी। चल चलो चल। अगर तू बोलता है तो रिश्ता लेके जाओ अनारकली के घर। हाँ ना भाभी, क्या ना। पक्का मुकरेगा तो नहीं? नहीं क्यों मुकरूंगा मैं। अच्छा चल ये ले तोहफा। How sweet. क्या है ये? खुद देख लेना खोल के। गुड। छोड़ो बताओ क्या खाओगे। अरे मेरे को ना बिस्किट मंगवा दे। बिस्किट? बिस्किट आप चाय में डबल डुबो के नहीं खाते? बिस्किट? यू मीन बिस्किट? अरे गलत क्यों बोल रही है, बिस्किट बिस्किट। पागल, इसे इंसान बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर अगर देखा जाए तो ये तो इंसान ही है, दुनियादारी की हवा नहीं लगी अभी से। अरे आज तो तू बड़ी खूबसूरत लगे, जब कोई किसी को बोले ना कि तू अच्छा है तो वो भी उसको पलट के बोले कि तू भी अच्छा है। अब मैंने तेरे को बोला कि तू खूबसूरत लागे है तो तू भी मारे को बोल कि मैं भी खूबसूरत लागू, तो बोल ना। अरे शर्माती क्यों है बोल। ही सच्चा इनोसेंट। पहले मैं इसको एटिकेट से खाऊंगी, उसके बाद मैं इससे शादी करूंगी, इस तरह मेरी बहन का प्यार भी उसे मिल जाएगा और मेरी भी उससे शादी हो जाएगी। हाँ ये लो अब्बा नाश्ता। वैसे आज तो बिना लात खाए नाश्ता खा रहे हो। नाश्ता ले आई रे। अरे मुगले आजम चचा आए। अस्सलामुअलैकुम मुस्तकीम भाई, क्या हाल है भाई? आजा भाई आजा। यार कैसे यार ब्लिच लगा के है? यार सुबह से तुझे याद कर रहा था मैं। अब दूसरी खुराक खाने की इतनी जल्दी हो रही है तो क्या है? क्योंकि वो पैरों के बल पैदा ही नहीं हुआ, उसने झूठ बोला है, वो झूठ बोल रहा है, तुम्हें लात मारी है। तो वो दुलत्ती खाने के लिए दुलत्ती। दुलत्ती? यार देख मुस्तकीम, तू मेरी टांगों को गधे की टांगे कर रहा है ब्लीच लगा के। नहीं नहीं यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो वो, मैं तो राजी इसलिए हुआ था कि मनी मैं तुझे नहीं मार रहा, तुझे लात नहीं मारूंगा, बस तेरी दूसरी खुराक गई बस। वो मजाक कर रहा था यार। ये नाश्ता बाद में करेंगे भाई, पहले लात मार। आजा
मुझे जुबानी पता है कि पहले मैंने खुद से पहनना है, फिर उसके बाद खड़े हो जाना है, फिर उसके बाद जो है उकड़ू बैठना है। उकड़ू बैठ गया, शाबाश। फिर हाथ ये रख रहे हैं, गए हाथ ये बैठ गया, उसके बाद उकड़ू हुआ, चलो ठीक है। अब बता मेरी चुप तो ठीक हो गई, तुझे चुप पड़ी कि नहीं पड़ी? अब सुना यार, क्या हालचाल चल रहा है तेरे बिल्ली की लगा के? चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप लेते हो जरूर कोई बात है। मेरी चुप निकल गई हो, तेरी क्या बात है? घर पे इत्तला कर दो मेरे यार। तौबा है, जगह दे। ठहर जा, कर जा, गुजर जा। हाय हाय, अल्लाह ना करे मैं क्यों गुजरू, गुजरे मेरे दुश्मन। तू हवा से लड़े भाभी। मंजले छोड़ ना। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी, सुल्तान की शादी ना अनारकली से होते ही, फौरन तू भी शादी कर लेना। करांगे करांगे, किसी पढ़ी लिखी छोड़ी से करांगे। अब पढ़ी लिखी हो या बगैर पढ़ी लिखी, काम तो उसको इसी किचन में करना पड़ेगा। सवेरे सवेरे मारे मुंह को लगे, चल जा अपने कमरे में। मुझे भी कौन सा शौक है सवेरे सवेरे तेरे मुंह लगने का, बड़ा आया सुपरस्टार कहीं का। सुना है कि अगर किसी की गर्दन में चुक आ जाए तो गर्दन मोड़ के सीधी कर दे तो फिर चुप चली जाती है। क्या पता अगर मैं अब्बा को जाके सीधा कर दूं तो शायद सही हो जाए। अब्बा अब्बा जरा सीधा होने की कोशिश करो, पूरा पूरा सीधा खड़े हो। मेरी अम्मा सीधा करना चाहे नहीं, सीधी हुई क्या कर रही है तुम? अच्छा दर्द हो रही है बेटा, जिद्दी तो अब्बा जरा कोशिश तो करो ना। ओ, ओ, ना 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 कर ना कर ना, चीख निकल जाती है मेरी। छोड़ तू, तू आ, मैं जा रहा हूँ दरवाजे तक, चल तू दरवाजा बंद कर ले। अच्छा चलो। आई एक खास जगह पे आके ना एकदम से, उफ। आ जुगनू आज माल बेचकर ना हर सुबह 3 बजे तक घर आ जाना। अबे क्या 3 से 6 वाला सिनेमा देखने जाना है तूने? दिखाई ना दो सिनेमा, शादी के बाद से आज तक तुमने कोई फिल्म दिखाई है मुझे? अबे वो बैठी है ना व्हीलचेयर पे, फिल्म है, नया नया डायलॉग बोलती है, सीन दिखाती है तुझे, फिर भी फिल्म देखने का बोल रही। मैं रोमांटिक फिल्म की बात कर रही हूं, वो तो हॉरर फिल्म है। वाह ना तू भी ना तारा, हर बात का मजाक। अच्छा ये बता कि तू 3 बजे का क्यों बोल रही है? अनारकली के घर जाना है आज हर सूरत सुल्तान का रिश्ता लेके। अबे हाँ यार वो तो बहुत जरूरी काम है, मैं समझा कहीं। चल ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। ओके आ जाना याद से। आ जाऊंगा। रात को तो दिल्ली बैठा जावे था कम से, ना भाई ना मरना नहीं मेरे को, जिंदा रहना है। और ये तारा के हरबे की काट करनी है, पूरी कमबख्ती मारी तो पढ़ी लिखी है, और पढ़े लिखे लोग तो शिट अप बोल के आगे बढ़ जावे। कट्टो सही, अरे आ गया मेरा बच्चा। चलो नाश्ता कर ले फुफो। ना बेटा तू कर ले, मेरा दिल ना चाहे तो कर ले, पर ठेले पे जाने के बाद खुद से बनाना पड़ेगा, तुझे तो चढ़ा भी ना जावे। हाँ ये भी तो तू ठीक ही कह रहे हो। अच्छा एक कप चाय पिला दे, दिल बहुत भारी हो गया रात से। कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा? ना ना कुछ ना खाया मैं। एक बात पूछूं मैं तेरे से? पर दिल पे हाथ रख के बोलियो। रब
मेरे हाथों पे चकनाई लगी हुई है, बुसट नहीं है, खराब हो जाएगी। आए, कितना मासूम भोला है मेरा बच्चा। अरे बेटा, ऐसा इसलिए कह रहे हैं जब किसी से किसी सवाल के जवाब में सच पूछना होए। हाँ सच तो मैं वैसे भी बोल दूँ, तो पूछ बात क्या है। तेरे लिए भाइयों का रिश्ता बड़ा है या पप्पो का? रख कहने को तो सगे भाइयों का रिश्ता बड़ा हो गया, समझने को फुफ्फो का, पर तू काहे को पूछे? वो अगर अनारकली की शादी सल्लू से हो जावे और ये तारा, जुगनू, सुल्तान, अनारकली और उसके माँ बाप मिलकर मुझे घर से निकाले तो तू निकालने देगा? किसी की जरूरत है? तारे को बोल के तो दिखाए, मारे जीते जी तो तुझे कोई निकाल ना सके। हाँ मैं मर गया तो? हाय अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तारे को तो मारी जिंदगी भी लग जाए बेटा। तू काहे को पूछे, किसी ने बोला है तारे को? रात को ना ये तारा प्लानिंग करे सबके साथ मिलके मुझे घर से निकालने की। तू तो फिक्र ना कर, तू नाश्ता कर, कुछ ना होवे, बनाने दे प्लान। हाँ अब तो नहीं कह दिया ना, अब मारे दिल को बहुत सुकून है। अल्लाह पराठा दे, अब भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। ले चाय भी। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन देख मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं शादी के लिए राजी तारा भाभी के कहने पे हो रहा हूँ, वरना मकान के कागजात पहले थे। ये लालची बातें करके ना तुम बिल्कुल मुझे मूव कर देते हो। हाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी हटा देते हो, मूव का मतलब है हटाना। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, गीदड़ कॉलोनी में रहती है तू, गीदड़ कॉलोनी में, क्लिफ्टन में पैदा नहीं हुई तू, अंग्रेजी जाहिर है मेरे साथ। हाँ हाँ रहती तो मैं गीदड़ कॉलोनी में हूँ, लेकिन शादी तो एक शेर से कर रही हूँ ना, कैसे मेरे हीरो ने तीन तीन बदमाशों से लड़कर। अच्छा तू ये नहीं पूछेगी कि रात जब शादी की बात हुई तो फिर क्या तय हुआ? हाँ क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि तारा भाभी और जुगनू भाई तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आएंगे। क्या? हाँ हाँ यकीन नहीं आ रहा क्या तुझे? ठीक है। मैं दिल देगी मेरे हाथ पर डंग 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 डंग, आएगा लेके वो बालात पे डंग 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 डंग। अरे मेरे तो लगता है कि फून वाली प्यार हुआ, फून वाली मेहंदी लगेगी, फून वाली बालात आ जाएगी और फून वाली बच्चे हो जाएंगे। सुनो तुम बात ना बहुत लंबी करते हो, थोड़ी छोटी बात किया करो ना। अच्छा तुम ये बताओ तुम लेती आओ? यही गीदड़ कॉलोनी में और कहाँ। अरे बहुत बली है, तुम कौन से एरिया में लेती हो? क्या करोगी तुम पूछ कर, आने से तो रहे, क्योंकि मेरे अब्बा को जो पता लग गया ना कि मैंने किसी लड़की से दोस्ती रखी हुई है फोन पर, तो जान से मार देंगे वो। अले तो तू गल मत बुला, कहीं पार्क वाल से मिलने दे। पार्क में? नहीं यार मैं नहीं मिल सकती, किसी ने देख लिया तो। अच्छा तो क्या बस ये बात फोन पर ही चलती रहेगी क्या? हाँ फिलहाल तो ऐसे ही समझो। अच्छा मेरे पास फोन पे बात कर लेता टाइम नहीं है, तो तू बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो आज के बाद दो तीन कदम, ना मैं तुझे तौल तलूंगा ना मैं तलूंगा। मुताफिज। ओए सुनो तो, हेलो हेलो, हाँ फोन रख दिया, इसे क्या हो गया बैठे बैठे है? तो इसके बिना इतने नखरे बढ़ गए। हाय फूल, ये कौन लाया? अरे वाह, तो ये कंबख्ती मारे कहीं जा रहे हैं। जिस किसी की भी हो मैं तो खाऊंगी। चल तारा जल्दी कर ले, लेट हो रहे हम। फूल फूल देखो, फूल ने सारी मिठाई जूठी कर दी। हाँ ये क्या कर दिया तुमने?
आप बोली तो सुन रही थी मैं। पूरे 200 रुपए के लेके आया था जिसका सत्यानाश।